गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह सुबह ना घर वालों ने क्या आंखों की आ गई है, ब्रेड पकौड़ाज, नमकीन, समोसा, उधर पीनट बटर विद ब्रेड। मैं सोचता हूँ कि ना मतलब नहा धो के और अच्छे से सारी अपनी नित्य क्रियाएं करके कि अच्छे से आदमी उठे और ब्रश व्रुश करे, फिर नहाए, मंदिर जाए, पूजा पाठ करे, जब नाश्ता पानी करे। लेकिन अब सुबह सुबह जब आंखों का चीज आ जाती है तो यहाँ मैं पिघल गया। अभी जो मैंने ब्रेड पकौड़ लिया है ना, मैंने समोसे और ब्रेड पकौड़े में से अक्कड़ पक्कड़ बम्बे बो करके जब लिया है, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था समोसे और ब्रेड पकौड़े के बीच में, इसलिए मैंने ये चुना है। दिस इज गुड एंड दिस इज हेल्दी। तुम भी खाया करो ऐसे ना, खाते पीते रहा करो, जैसे मैं खाता पीता रहता हूँ। सोच रहा हूँ ना कि कटोरी में और ग्लास में चाय चल रही है तो हाँ भाई मैं कटोरी में चाय पीता हूँ, और हमारे घर कफ नहीं है, नहीं है हमारे घर कफ। आके मुझे गिफ्ट कर देना, हम पी लेंगे, ठीक है। ये ऐसा ही लग रहा है जैसे इसकी दो टांगे हैं, लग रहा है ना जैसे आदमी है जिसकी दो टांगे हैं, हाथी का पैर। ब्लॉग की शुरुआत भी इसी रूम से हो रही थी और अभी भी इसी ब्लॉग में, क्योंकि मुझे जाना था बाहर, पर दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो गया ना, जो मेरे भ्राता श्री हैं, जो मेरे भाई हैं, स्कूटर मतलब जो मेरी स्कूटी है उसकी चाबी जेब में डाल के और अपने स्कूल ले गया ये महान आदमी। ये था ये मन तो बेटा ऐसा कर रहा था कि मारूं पकड़ के तुझे। और आज हमारे साथ है मिस्टर मयूर। कैसे हैं? मैं भैया का परम मित्र हूँ, आप लोग मुझे प्यार से मयूर भी कह सकते हैं। अच्छा, और क्या है तो सब्सक्राइबर होता है मेरा? हाँ, वो तो भैया ने मुझसे कही तो मैंने हाँ। भैया को 2 सब्सक्राइबर गेन करवाए। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन एक चीज और, एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये कि भाई साहब ने मेरा मूड तो खराब कर दिया पर मूड अच्छा भी कर दिया। कैसे? कि इनके रिजल्ट आ गए हैं, 10th के रिजल्ट बहुत ही अच्छे आए हैं। बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को, बहुत बहुत बधाई हो। हाथ मिलाओ। आप लोग भी टीम में कांग्रेचुलेशंस बोल देना, अच्छा लगेगा मेरे को भी और इन दोनों को भी। और इसी की पार्टी चल रही है, पूड़ी, आलू टमाटर की सब्जी और ये अचार। अचार किस चीज का है ये? बाकी बेटा शाम को तुम्हारी पार्टी। चलो ठीक है, क्योंकि मैं बहुत बदतमीज बच्चा। अच्छा, तूने आंटी को बता दी कि रिजल्ट आ गया तेरा? ऐसा करने का मैं नहीं करता। आंटी को नहीं बताया अभी? पड़ोसी किस लिए होते हैं? अबे आंटी को नहीं बताया रिजल्ट तूने? नहीं। क्यों? मम्मी यहाँ है ना। अब फिर उनका रिएक्शन कैसा रहेगा? अगर मम्मी के हिसाब से ज्यादा है तो बच जाऊंगा, ना तो गाली सुनूंगा। मारेंगी? ना ना, मैं भाग जाऊंगा पिटने से पहले। अच्छा, आंटी को कितनी परसेंटेज चाहिए थी? मम्मी को भाई सभी लोगों की तरह 90 से ऊपर। पर 90 तो नहीं आई गुरु। तब भी मैंने अपनी पूरी जी जान लगाई और अब मैं 70% सब कुछ हूँ। कोई बात नहीं, 70% बेटा बहुत अच्छी है परसेंटेज तेरी। ऐसी बात है, तूने मेहनत से करी ना सारी चीज़ें, बढ़िया है। अरे भाई पूरे दिन फोन चलाया मैंने। फोन में यूट्यूब में पढ़ाई करी है तूने? सो जब इसमें इतने में इतनी ले आया और अभी अगले ने ड्रेस भी चेंज नहीं करी, आती रिजल्ट देगा सबसे पहले। और जब ये इनका गेम शुरू हो गया आफ्टर रिजल्ट। गाड़ी चला रहा है मिस्टर मयूर, हैवी ड्राइवर। हाँ भाई, अब रिजल्ट आ गया, क्या करोगे तुम दोनों? अबे यहाँ भी देख ले भाई, अब क्या करेगा फिर तू? क्या करेगा तू अब रिजल्ट के बाद? कुछ ना, मैं भी अब सोच रहा हूँ कि तुम्हारी तरह एक चैनल खोल लूँ। हाँ अच्छा, बुरा तो ना मानो। नहीं, अब तुझे दिखा दिया मैंने कंप्यूटर। चलो ठीक है, कोई ना, मैं तुम्हारे। अबे पढ़ाई में क्या करेगा आगे गुरु? चिंता मत करो, मैं कॉमर्स विद मैथ लेकर सीए की तैयारी करूंगा, नोट छाप दूंगा नोट। पैसा ही पैसा। थोड़े पैसे मुझे भी दे दियो। चिंता मत करो भैया, तुम्हें मैं अपने घर में रखूंगा, मान जाएंगी।
हाँ मान जाएंगे भाई। चलो ठीक है, मेरी सारी गाड़ियों के पीछे एजी जरूर लिखा होगा। ये वाला? वही वाला। अच्छा तो वो तो फिर गाड़ी मेरी हो जाएगी। कोई बात ना, मैं तुम्हें दे दूंगा। तो मुझे भी तो आंटी अब तेरे को पीसीएम दिलवाएंगी या तू अपनी इच्छा से क्या करना चाहता है? मम्मी के हिसाब से मैंने मम्मी को खूब लड़ा, खूब समझाया, फिर गली मोहल्ले वालों को अपने थोड़ा मैनिपुलेट करके मम्मी को समझवाया। तब मम्मी कॉमर्स के लिए मानी, लेकिन फिर भगवान ने मेरे नसीब में मैथ हो गई। अच्छा कॉमर्स विद मैथ। मम्मी ने कहा तेरी मैथ अच्छी तो कॉमर्स विद मैथ लेगा। अच्छा मैंने मम्मी को समझाया, मम्मी 11th की मैथ बहुत अलग है, लेकिन मम्मी नहीं मानी। फिर मुझे पता चला कि सीए का कुछ काम है, नॉट छापने का। अच्छा बेटा सीए भी बहुत मेहनत से बना जाता है, ऐसी बात नहीं है। उसकी आवाज मंदी कर यार। अबे मंदी लाला इधर घूम, तेरा भी इंटरव्यू चाहिए मुझे। किसी से घूम जा, छोड़ दे गेम, छोड़ दे तो छोड़ दे गेम, गेम छोड़ दे, दो मिनट के लिए ठोक दे गाड़ी। हाँ तो मिस्टर अक्षत बाबू ये का काम मैं करूंगा। अच्छा इतने नोट छाप दूंगा, तुम्हें अपनी साइड वाली सीट पर बिठाऊंगा अपनी गाड़ी। ओके ब्रो ओके, चलो भाई तुम लोग गेम खेलो, हम चले। बढ़िया कैसे खेल लेते हो। ओए 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 अपना इसको ज्यादा देर वो मत करना, और सिर्फ गेम खेलना, कुछ छेड़ना नहीं है। ठीक है ठीक है, समझ में आ गई बात? जी भैया हम गेम खेल, मैं जा रहा हूँ। चिंता मत करना, हम कुछ पर्सनल नहीं खोलेंगे। अबे पर्सनल के चाचा, मतलब मेरी कोई फाइल वाली रहती नहीं, इसमें वो मैं छेड़ना, बस गेम तक ही रहना सीमित, गेम ही खेलना। चिंता मत करो मैं वाईफाई की तरफ बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हाँ वाईफाई का पासवर्ड तो मिलने का भी नहीं है, देर पड़ने की, वो बताने की नहीं है। 5 बज रहे हैं और मेरे को ऑफिस से फोन आया है कि एमरजेंसी है, ऑफिस आ जाओ। पर अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जिस टाइम मैं ये बोलता था ना कि मैं घर जा रहा हूँ, उस टाइम मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मतलब यार शाम का इतना अच्छा प्लान बना हुआ था आज का कि बाहर जाना है, थोड़ा सा चिल करेंगे, अच्छा लगेगा, पूरे प्लान चौपट हो गया। बहुत खुशी हो रही है मेरे को कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हो गया हो गया, फिर उसके स्पेयर पार्ट्स भूखे का सहारा, बर्गर किंग प्यारा हमारा। सिर्फ आधे घंटे के काम की वजह से मुझे ऑफिस बुलाया गया। खैर चलो कोई बात नहीं, काम भी जरूरी होता है भाई, करने पड़ते काम भी। अभी ना मेरे साथ एक कलेश हो रहा है कि मेरे फोन स्विच ऑफ होने वाला है, मात्र 4% में मेरा फोन है। एकदम खाली मेट्रो, वक्त आ गया है जब मैं घर पहुंचने वाला हूँ। एक स्टेशन बचा, एक स्टेशन एकदम खाली पड़ी है मेट्रो। और यार ये चार्ज करना है, अब 2% पे है। जब हम यहाँ पे आते हैं ना स्टेशन पे, जैसे आपने पुराने व्लॉग में भी देखा होगा मेरे, तो उसमें क्या होता है कि भागना पड़ता है क्योंकि नीचे भीड़ लग जाती है बहुत ज़्यादा। तो आज इतनी भी हिम्मत नहीं रही कि भाई मैं भाग के नीचे चला जाऊँ, मैं सबसे लास्ट वाले डब्बे में चढ़ा हुआ था ताकि वहाँ सीट वीट मिल जाए आराम से। नाइट व्यू फोकस नहीं करता सही से कभी कभी, सबसे लास्ट में मैं ही हूँ, एक आदमी हो रहा है बस सबसे लास्ट में मैं ही हूँ। खैर मैं इसको मोबाइल को ऐड, मेरे इतना फीचर है, ये अच्छा फ़ोन है, ये एक भाई है बस फीचर, सेकेंड मैं हूँ। जब तक ये फोन स्विच ऑफ नहीं होगा ना मैं आवाज नहीं आऊंगा, मैं तो बनाऊंगा वीडियो, पर होने वाला 1% पे आ गया। एक तो कुछ तो ये भीड़ है और कुछ ये भीड़ है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एग्जिट के लिए जो लगी होती है जो कि बहुत लंबी होती है। ठीक है कितनी भीड़ है,
तो इसलिए आराम से मटकते हुए जाओ, मतलब चलते हुए आराम आराम से, दिक्कत थोड़ी है। इन लोगों को कर लेना तो अपना, हम राजा बाबू लास्ट में जाएंगे। आज के ब्लॉग में इतना ही, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मिलते हैं कल।